वेलकम टू नोट्स कल्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्योर लाइन सिलेक्शन और प्रोजेक्ट टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे, वह है मास सिलेक्शन। ठीक है, मास सिलेक्शन में करते क्या है? मास सिलेक्शन में हम लोग ढेर सारे प्लांट सिलेक्ट करते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनका फिनोटाइप लगभग सिमिलर हो और वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स के लिए काफ़ी सिमिलैरिटी शो करते हों। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे स्कीम के थ्रू। सबसे पहले होता क्या है, हम लोग इसको जो ये हमारा बेस पॉपुलेशन है, ये बेस पॉपुलेशन मिक्सचर ऑफ होमोजाइगस लाइंस होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ढेर सारे प्लांट सेलेक्ट करते हैं, अराउंड 100 to 1000 प्लांट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके उनको टैग करते हैं, टैग करने के बाद उसका जो हार्वेस्ट के स्टेज में हम लोग उनकी हार्वेस्टिंग करके सीड को पूरा मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सीड को मिक्स करना, जो कि प्योर लाइन में हम लोग नहीं करते थे। प्योर लाइन में हम लोग क्या करते थे, प्लांट सिलेक्ट करने के बाद उनके प्रोजनी रोज लगाते थे। ठीक है, मास सिलेक्शन में क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद प्लांट्स के सीड को मिक्स करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के सीड को मिक्स करने के बाद हम लोग उनको डायरेक्टली प्रिलिमिनरली ईल्ड ट्रायल्स में ले जाएंगे। किसी प्रकार का प्रोजनी टेस्ट नहीं होगा, हम लोग उसको डायरेक्टली प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल्स में लेके जाएंगे और वहाँ पर जो फिनोटाइप के लिए हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उसका क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आता है मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल। हम लोग 3 साल तक अलग अलग जगह पे अलग अलग रेप्लिकेशन में टेस्ट करेंगे विद अ स्टैंडर्ड चेक। वहाँ पे हम लोग प्रिवेलिंग डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए चेक करेंगे, क्वालिटी के लिए चेक करेंगे कि हम लोगों का जो सेलेक्टेड लाइन है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल्स। अगर वहाँ पे लाइंस चेक वैरायटी से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो फिर हम लोग उसको एज अ वैरायटी रिलीज कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन में वैरायटी रिलीज करने के लिए सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम करेंगे ताकि ढेर सारा सीड प्रोड्यूस हो सके और फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसा कि मैं बोली, सीड्स आर मिक्स्ड। यहाँ पे हम लोग प्लांट्स को सेलेक्ट करके उनके सीड को मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद उसको नेक्स्ट जनरेशन में लगाते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग प्योर लाइन में ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद डन फॉर इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, क्या करते हैं, अगर हम लोग प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग ऐसे ट्रेड के लिए सेलेक्ट करें जो हम लोग फील्ड में आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि प्लांट हाइट, हम लोग आसानी से हाइट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा नहीं है। अर्ली और लेट के लिए कर सकते हैं कि जो जल्दी मैच्योर हो रहा है ग्रेन, ठीक है, और कौन सा लेट हो रहा है। कलर के लिए कर सकते हैं, लीफ कलर, फ्लावर कलर, कुछ शेप में वेरिएशन है उसके लिए कर सकते हैं। इट मींस इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स के लिए हम लोग इसमें सिलेक्शन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों में होता है, ये सेल्फ पोलिनेट और क्रॉस पोलिनेट क्रॉप्स दोनों में होता है। जैसा प्योर लैंड हम लोग पढ़े थे कि वो सिर्फ सेल्फ पोलिनेट में होता है, ये दोनों दोनों टाइप के सेल्फ और क्रॉस दोनों टाइप के क्रॉप में एप्लीकेबल है। और अगर ये है कि अगर कभी भी हम लोगों को सीड के शेप या कलर में वेरिएशन दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीड की मिक्सिंग कर रहे हैं तो पहले कलर और शेप कौन सा लेना है इसका सिलेक्शन कर ले, ये कौन सा कलर और कौन सा शेप का सीड हम लोगों को चाहिए, उसके बाद फिर सीड की मिक्सिंग करते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि इसमें प्रोजनी टेस्ट नहीं होता, हम लोग प्योर लाइन में क्या करते थे, यहाँ पर सीड प्लांट सेलेक्ट करने के बाद प्रोजनी रोज लगाते थे, हर एक पौधे के बीज को लाइन से लगाते थे। यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपली मिक्स कर रहे हैं और डायरेक्टली उसको प्रिलिमिनरली ईल्ड ट्रायल में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे प्रोजनी टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इतना फ्रूटफुल नहीं है जितना कि प्योर लाइन है। क्योंकि प्रोजनी टेस्ट का इंपॉर्टेंस मैं कल बताई थी कि प्रोजनी टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि उसका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है, साथ ही जो हम लोग प्लांट सेलेक्ट किए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका एक्चुअल वर्थ है कि नहीं है, ये हम लोग को प्रोजनी टेस्ट से पता चलता है। चूंकि यहाँ पर प्रोजनी टेस्ट नहीं है इसलिए इतना एडवांस या फिर इतना फ्रूटफुल मेथड नहीं है जितना कि प्योर लाइन सिलेक्शन है। ओके, और यहाँ पर जो हम लोगों को पॉपुलेशन मिलता है सेलेक्ट करने के बाद, प्लांट सेलेक्ट करने के बाद जो पॉपुलेशन मिलता है, दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सिमिलर लुकिंग प्योर लाइन्स। प्योर लाइन में क्या होता था कि हम लोग सिंपली एक प्योर लाइन मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे, एप्लीकेशंस है इम्प्रूविंग लोकल वैरायटी, कोई भी लोकल ओल्ड या देसी वैरायटी, जैसा कि प्योर लाइन में था ये जो बेस पॉपुलेशन है वो कोई सा पुराना वैरायटी हो सकता है जिसको हम लोग को इम्प्रूव करना है।
या फिर कोई प्योर लाइन वैरायटी है जो कि पहले बना था लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कुछ ना कुछ मिक्सचर आ गया है और उसका हमको प्योरिटी मतलब फिर से उसको ओरिजिनल उसको कंपोज करना है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर थर्ड है कि डायरेक्टली हम लोग कुछ एक ऐसा नए ट्रेड के लिए सिलेक्शन किए हैं और हमको बहुत अच्छी लाइन मिल गई, तो हम उसको डायरेक्टली न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है।